आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक बार देखना कि कितने तरह के इंपॉर्टेंट वेक्टर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, यानी टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। ठीक है जी। वैसे तो टाइप्स बहुत ज़्यादा है, बट वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली सिलेक्टेड टाइप्स। ठीक है जी। सारे टाइप्स नहीं पढ़ेंगे, जो हमारे लिए काम के हैं या जो हमारे मतलब के लिए हैं, सिर्फ उन्हीं की स्टडी करेंगे ना। देखिए, तो सबसे पहला वेक्टर जो हमें पढ़ना चाहिए या मालूम होना चाहिए वो है ज़ीरो वेक्टर। ज़ीरो वेक्टर नाम से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? क्या हो सकता होगा ज़ीरो वेक्टर? क्या होता होगा ज़ीरो वेक्टर? जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होता है। ठीक है जी। यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर है तो उसमें इनिशियल पॉइंट यहाँ है, टर्मिनल पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ एक वेक्टर बनेगा। ठीक है। अब यदि ये दोनों पॉइंट पास आते जाएँ आते जाएँ आते जाएँ और दोनों एक दूसरे पास ओवरलैप कर जाएँ, ठीक है जी, तो इस वेक्टर की मेन लेंथ कितनी हो गई? ज़ीरो हो गई। फॉर एग्जांपल यदि ये यदि पॉइंट इनिशियल पॉइंट ए है और टर्मिनल भी ए बन जाएगा, तो इस वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? ए ए वेक्टर या बी बी वेक्टर। यानी इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए तो वो वेक्टर क्या कहलाएगा? ज़ीरो वेक्टर कहलाएगा। अब ज़ीरो वेक्टर का कोई मैग्नीट्यूड नहीं होता और इसकी डायरेक्शन भी हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो ना तो इसकी मैग्नीट्यूड होती है ना तो उसकी डायरेक्शन होती है। ठीक है जी। और इसको कई बार ए ए वेक्टर या बी बी वेक्टर या इस तरीके से रिपीटेड लेटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट भी करते हैं। ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ज़ीरो वेक्टर ये भी बोल सकते हैं इसको, ज़ीरो वेक्टर, ए ए वेक्टर या बी बी वेक्टर। ठीक है जी। इतनी सी बात है। और मिलता कैसे है? मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं। अच्छा, इसको समझाने के लिए आपको पहले इक्वल वेक्टर समझना पड़ेगा। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं ये भी हमें पढ़ना है। दिस टाइप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। तो इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? ज़्यादातर वेक्टर्स के नाम में ही उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि क्या होता होगा। तो इक्वल वेक्टर्स दो वेक्टर जिनकी लेंथ सेम हो और सेम डायरेक्शन में पॉइंट भी कर रहे हो वो इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। मान लीजिए एक वेक्टर मैंने बनाया यहाँ से ये पॉइंट करता हुआ, इसको नाम दे दिया मैंने पी क्यू। ठीक है जी। और ये क्यू की तरफ पॉइंट कर रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ पी क्यू वैक्टर। ठीक है, सिंपल है। अब इसी की तरह इसी मतलब इसी डायरेक्शन में एक और वेक्टर बना दिया मैंने सेम लेंथ का, और इसका नाम दे दिया मैंने ए बी। ठीक है जी। तो ये हो गया ए बी वैक्टर। तो सिंस यहाँ देखिए, सिंस मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वैक्टर। ठीक है जी। वन थिंग एंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू क्या कहलाएगा बच्चों? पी क्यू कैप। और इस वेक्टर ए बी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा ए बी कैप। ऑल्सो पी क्यू कैप इज इक्वल टू ए बी कैप। ये क्या तरीका हुआ बच्चों? ये डायरेक्शन बताने का तरीका हुआ। ठीक है। पी क्यू कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर एंड ए बी वैक्टर सॉरी ए बी कैप इज द यूनिट वैक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर। तो सिंस इन दोनों का मैग्नीट्यूड वन है और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आई कैन राइट पी क्यू कैप इज इक्वल टू ए बी कैप और मॉड ऑफ पी क्यू इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी। तो हम क्या कह सकते हैं इन दोनों को मिला के कंबाइन करके? ठीक है, ये चीज़ और ये चीज़ है ना, वन एंड टू, इन दोनों को मिला के हम क्या बोल सकते हैं? वी कैन से पी क्यू वैक्टर इज इक्वल टू ए बी वैक्टर या पी क्यू और ए बी इक्वल वैक्टर्स हैं। ठीक है। तो क्या याद रखना है हमें? इक्वल वैक्टर्स की डायरेक्शन सेम होती है और मैग्नीट्यूड इक्वल होती है। सिंपल है। ठीक है, चलिए। और मान लीजिए तब जब दो इक्वल वैक्टर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना, मान लीजिए मैंने कहा पी क्यू वैक्टर माइनस ए बी वैक्टर, तो वॉट वी आर लेफ्ट विथ? ज़ीरो वैक्टर। ये तो यहाँ ज़ीरो वैक्टर का यूज़ हो गया और इक्वल वैक्टर का यूज़ हो गया, मतलब आपको ज़ीरो वैक्टर और इक्वल वैक्टर दोनों समझ में आ गए। सिंपल है, कुछ खास नहीं है। जब आप एक्चुअल प्रॉब्लम्स करेंगे तो आपको इनका यूज़ पड़ेगा, तो जानना ज़रूरी था। देखते हैं अगला टाइप ऑफ वैक्टर। तो बच्चों नेक्स्ट टाइप ऑफ वैक्टर क्या है? को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर
इसका भी नाम देख के आप समझ गए होंगे कि इससे क्या होता होगा ना, कॉमन इनिशियल पॉइंट, को इनिशियल, ठीक है जी। एक ही इनिशियल पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर्स को को इनिशियल कहते हैं। मान लीजिए मैंने कोई वेक्टर बनाया, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, इन दोनों को मिला दिया तो बन गया वेक्टर। मान लीजिए इसको पॉइंट को, इनिशियल पॉइंट को नाम दिया ए, फाइनल पॉइंट को नाम दे दिया बी, तो ए बी वेक्टर एक वेक्टर हो गया, ठीक है जी। अब इसी इनिशियल वेक्टर, इनिशियल पॉइंट ए से एक वेक्टर और निकल के आ गया तो ए सी, तो ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर कैसे हो गए, को इनिशियल, यानी इनके इनिशियल पॉइंट सेम होते हैं, सिंपल। चलिए तो नेक्स्ट वेक्टर देखते हैं, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर क्या होता होगा, क्या दिमाग में पहला थॉट क्या आ रहा है नाम सुन के इसका, कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में होने वाले, है ना, बिल्कुल ठीक बात सोच रहे हो आप, यदि ऐसा सोच रहे हो तो। एक ही लाइन में होने वाले वेक्टर्स को कोलिनियर कह सकते हैं। कैसे, देखिए मैं एक ड्राइंग बनाता हूँ, मान लीजिए एक वेक्टर है ए बी, मान लेते हैं ए बी वेक्टर है, एक और वेक्टर है, ये क्या है, ये पी क्यू वेक्टर है। अब एक ही लाइन में बोल सकते हैं या फिर पैरेलल भी बोल सकते हैं, यदि दो वेक्टर पैरेलल हैं, ठीक है, तो उनको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एक्चुअल डायरेक्शन। कंफ्यूज कर दिया क्या, देखिए मैंने बोला इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन, मान लीजिए इस तरीके के दो वेक्टर हैं, जैसे ए बी वेक्टर राइट में जा रहा है और एक वेक्टर ऐसा है, इसको मान लेते हैं ये ई एफ, ठीक है, ये एक वेक्टर है। तो ध्यान से देखिए, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, लेफ्ट से राइट है, और ई एफ वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, राइट से लेफ्ट है, मगर ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है। सिमिलरली पी क्यू, ई एफ ई या ई एफ, सिंस हमेशा वेक्टर को इनिशियल पॉइंट का लेटर पहले ही पढ़ा जाता है और टर्मिनल पॉइंट का लेटर बाद में, इस वेक्टर को, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर, इस वेक्टर को बच्चों ई एफ वेक्टर बोलेंगे, ना कि एफ ई। हमेशा इनिशियल पॉइंट को पहले लिखा जाता है या पहले बोला जाता है और टर्मिनल पॉइंट को बाद में बोला जाता है, तो इसको ई एफ वैक्टर बोलेंगे, ना कि एफ ई वैक्टर। सिमिलरली ये ए बी वैक्टर होगा, ना कि बी ए वैक्टर, एंड सो ऑन। तो अभी जो डिस्कशन कर रहे हैं, कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, कोलिनियर वैक्टर क्या वैक्टर होते हैं, याद रखिए, टू वैक्टर्स इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे कैन बी इन द सेम लाइन और इन द पैरेलल लाइंस, आर कॉल्ड कोलिनियर वैक्टर्स। डायरेक्शन उनकी सेम हो सकती है या फिर एग्जैक्टली अपोजिट होगी, क्योंकि पैरेलल तो वो है ही, राइट, तो उनके बीच में एंगल जीरो ही होगा। सेम लाइन पे है तो भी एंगल जीरो है, पैरेलल है तो भी एंगल जीरो ही होगा, डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, या तो ए से बी की तरफ होगी या ई से एफ होगी, तो इसको डिफरेंट डायरेक्शन बोल सकते हैं, राइट। तो कोलिनियर वैक्टर में दिमाग में आते ही क्या, कोलिनियर वैक्टर सुनते ही दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों आपको, एनी टू वैक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर आर कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर्स, ठीक है जी। तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर। चलिए जी, को इनिशियल हो गया, कोलिनियर हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर, जो हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके थे, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन होता है उसे यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यदि कोई वेक्टर ए वेक्टर है तो इसके, इस वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या बोलेंगे बच्चों, स्मॉल ए कैप। ये एरो का साइन रिप्लेस हो जाएगा इस कैप के साइन से, यदि ये नॉर्मल वेक्टर और ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है जी। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा वन यूनिट होता है, ना वन से कम होता है ना वन से ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसको ऊपर एक कैप लगा के इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं, एक्स डायरेक्शन में आई कैप, वाई डायरेक्शन में जे कैप एंड जेड डायरेक्शन में के कैप आर दी यूनिट वैक्टर्स, ठीक है बच्चों। तो बच्चों एक एग्जाम्पल अच्छा सा दिमाग में आ रहा है को इनिशियल वैक्टर का, देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ये तीनों वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट होते हैं, ठीक है जी। एक एक्स एक्सिस के अलोंग चला जाता है, एक वाई एक्सिस के अलोंग चला जाता है और एक जेड एक्सिस के अलोंग जाता है, लेकिन स्टार्ट तीनों ओरिजिन से होते हैं, तो ये वेक्टर्स को इनिशियल वेक्टर्स हो गए ना। देखिए ये को इनिशियल वेक्टर का एग्जांपल हो गए। चलिए बच्चों एक और टाइप हम लोगों के लिए जानना इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है बच्चों। इसका भी नाम देख के ही समझ में आ गया होगा आपको,
नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो क्या है, क्या होता होगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर? सोचिए क्या दिमाग में आ रहा है सुन के। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव मतलब यदि ए बी वेक्टर है तो माइनस ए बी वेक्टर है ना। यदि एक वेक्टर है ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर बोल रहा हूँ तो मतलब क्या हो गया, ए इनिशियल पॉइंट होगा और बी टर्मिनल होगा, तो एरो कहाँ बनेगा, बी पर बनेगा, ठीक है जी, क्योंकि ए बी वेक्टर है। यदि मैंने बोला होता बी ए वेक्टर, क्या बोला होता मैंने, बी ए वेक्टर बोला होता, तो ये इस तरीके का वेक्टर बन जाता ना, इस तरीके का, बी इनिशियल पॉइंट होता और ए टर्मिनल पॉइंट होता, ये बी ए वेक्टर हो गया। अब इन दोनों वेक्टर्स को देखो क्या है, इन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है क्योंकि ये सेम इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में लाई करते हैं। अब ए क्या है, यदि 3D प्लेन में जाके देखेंगे तो ए की लोकेशन या ए का एड्रेस फिक्स्ड है, ठीक है, सिमिलरली बी का भी एक फिक्स्ड एड्रेस है। अब यदि ए से बी की तरफ जाते हो तो आप क्या बनाते हो, ए बी वेक्टर बनाते हो, लेकिन आप यदि उल्टा चलते हो बी से ए की तरफ आते हो तो आप क्या बनाओगे, बी ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर को देख के आप क्या कह सकते हो, किस टाइप के वेक्टर्स हैं ये दोनों पेयर, ये जो पेयर बना रहे हैं दोनों वेक्टर्स, वो किस टाइप का वेक्टर का पेयर बन रहा है, ये बन रहा है नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का। यानी आप इसको देख के क्लियरली बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी ए वेक्टर, ठीक है जी। मतलब ए बी और बी ए की, ए बी वेक्टर और बी ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है। तो एनी टू वेक्टर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम होते हैं और डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होती है, नेगेटिव वेक्टर कहलाते हैं, ठीक है जी। तो सिमिलरली आई कैप का नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस आई कैप, ठीक है जी, एंड सो ऑन। तो किसी वेक्टर मान लीजिए कोई नॉर्मल वेक्टर है स्मॉल ए वेक्टर, तो उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, माइनस ए वेक्टर। क्या हो गया, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड इसका मैग्नीट्यूड सेम है, कितना हो गया दोनों का ए, मगर डायरेक्शन डिफरेंट हो गई, माइनस साइन लगते ही 180 डिग्री से वापस घूम जाएगा वेक्टर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बच्चों अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें डिस्कस करना चाहिए, फ्री वेक्टर, ठीक है जी, फ्री वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर ये कोई टाइप नहीं है, ये एक तरह से एक प्रॉपर्टी समझ लीजिए। फ्री वेक्टर क्या होते हैं, मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि जैसे ये सबसे पहले मैंने वाई एक्सिस बनाया, जेड एक्सिस बनाया और ये एक्स एक्सिस बना दिया ना, ये एक्स एक्सिस बना दिया मैंने, ठीक है। यहाँ कोई पॉइंट पी है, ओके, और पॉइंट पी और ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से पॉइंट पी को जोड़ने वाला ये वेक्टर हम पढ़ चुके हैं कि ओपी वेक्टर या पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर कहलाता है। तो अब ये वेक्टर जो है ना ओरिजिन से चिपका हुआ है, ओरिजिन से ही इसका वेक्टर का इनिशियल पॉइंट स्टार्ट होता है और हमेशा ओरिजिन से ही होगा, तभी ये पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। अब मान लीजिए एक दूसरा एक और वेक्टर है जो किसी पॉइंट ए से दूसरे पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है जी। तो अब फ्री वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जिनको खुद के पैरेलल मूव होने की परमिशन होती है, यानी कि डायरेक्शन चेंज किए बिना और मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना वो कहीं भी पूरे स्पेस में मूव कर सकते हैं, ऐसे वेक्टर्स को फ्री वेक्टर बोलते हैं। यानी उनका कोई निश्चित घर नहीं है, उनका कोई एड्रेस फिक्स्ड नहीं है। क्या फिक्स्ड है, उनकी लेंथ फिक्स्ड है कि उनकी लेंथ चेंज नहीं हो सकती चाहे वो कहीं भी चले जाएँ, प्लस उनकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती चाहे वो किसी भी पॉइंट पर चले जाएं स्पेस के। तो ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं फ्री वेक्टर। जैसे कि मैंने इस वेक्टर को उठा के समझ लीजिए यूं करके, ओहो इस वेक्टर को उठा के मैंने यहाँ मूव कर दिया तो यहाँ आ गया ये, ठीक है। इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं की मैंने, ना ही मैंने इसका मैग्नीट्यूड चेंज किया है, मगर जो पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा था अब यहाँ हो सकता है कोई पॉइंट सी से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है। अब ए के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं क्या, A1, A2, A3 और C के कोऑर्डिनेट हो सकते हैं C1, C2, C3। यानी इसका जो इनिशियल पॉइंट था वो चेंज हो गया, ठीक है। ओरिजिनली जब यहाँ लोकेटेड था वेक्टर तो इसके इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे A1, A2, A3। करस्पॉन्डिंगली फाइनल पॉइंट के भी कुछ ना कुछ या टर्मिनल पॉइंट के भी कुछ कोऑर्डिनेट रहे होंगे। इसको रीलोकेट करते ही
इनिशियल पॉइंट के, जो नया इनिशियल पॉइंट बना उसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट चेंज होता रहेगा, लेकिन क्या चीज़ चेंज नहीं होगी, इस वेक्टर की लेंथ और इसकी जो डायरेक्शन है वो। ये कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मूव होके घूम के यूं चला गया, नो। यहाँ क्या डायरेक्शन चेंज हो गई आपकी, तो डायरेक्शन आपकी ये मेंटेन रहेगी, ये या फिर इस किसी भी पैरेलल लाइन में ना, दिस कैन मूव इन एनी पैरेलल लाइन इन दिस यूनिवर्स। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इसके मैग्नीट्यूड को और डायरेक्शन को चेंज नहीं करना है। तो हमारे पूरे वेक्टर के चैप्टर में, हमारे सिलेबस में जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं। इनफैक्ट जब हम वेक्टर का एडिशन पढ़ेंगे तो हम वेक्टर को मूव कराते हैं ताकि एक वेक्टर की हेड दूसरे वेक्टर की टेल से कोइंसाइड हो जाए। यदि वेक्टर फ्री ना होके बाउंडेड होता, एक ही पॉइंट पर रखा रहता, तो हम ये मूवमेंट नहीं कर सकते थे। तो हमारे सिलेबस में जितने भी वेक्टर्स हैं वो फ्री वेक्टर्स हैं एक्सेप्ट पोजिशन वेक्टर। पोजिशन वेक्टर सिंस ओरिजिन से बाउंड होता है, तो जहाँ ओरिजिन होगा वहाँ उसका इनिशियल पॉइंट होगा, और जिस पॉइंट का वो पोजिशन वेक्टर होगा वो उसका टर्मिनल पॉइंट होगा। बाकी जितने भी वेक्टर्स हैं वो सारे फ्री वेक्टर्स हैं, अपने ही लेंथ के पैरेलल, लेंथ को और डायरेक्शन को मेंटेन करते हुए वो कहीं भी मूव कर सकते हैं।